मिनिस्टर सर या जी, एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूंगी। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर MP, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड MP को आपने सस्पेंड कर दिया। जया जी, एक सेकंड मेरी सुनिए। मैं तो मेरी पीड़ा व्यक्त भी नहीं कर सकता। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हाउस में भी, हाउस के बाहर भी। हाउस नीड्स टू बी इन ऑर्डर। द हाउस विल मीट एट 5 PM टुडे। इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। इफ देयर इज नो ऑपोजिशन, देन व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ। इतने MPs को आपने कल dismiss कर दिया, किसी ने placard पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफ़ी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना है? बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सर हमको बोलने दीजिए। मैंने उनसे ही कहा, सर सर बोल रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, अब आपको मैं मैडम बोलूँगी। अभी क्या करूँ? सर सर सुबह से चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आप सोचिए कि राम गोपाल यादव जैसे सीनियर MP, वो बेचारे अपने सीट से उठ के साइड में खड़े हो गए ना। उन्होंने आज तक अपनी इतनी लंबी करियर में कभी आवाज़ ज़ोर से की हो, या बुरी तरह से बात की हो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं और अगर चेयर ने कह दिया आपका वक्त ख़त्म हो गया, वो अपना कंप्लीट भी नहीं करते, बैठ जाते। इतने भद्र, इतने डिसिप्लिन्ड MP को आपने सस्पेंड कर दिया। सोचिए, वंदना चौहान को आपने इतनी भद्र महिला है, उनको सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा नापदंड है? आप राम गोपाल यादव को कैसे सस्पेंड कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया। इतना लंबा करियर उनका, तो पता नहीं क्या अंदर खिचड़ी पकती है उनकी।